दोस्तों, अगर आप लोग भी लाडली बहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आप लोगों के पास जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो नहीं रहता है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, इसके लिए क्या क्या करना रहेगा, इसके लिए आवेदन कब से करेंगे, इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, पूरी विस्तार से जानकारी आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई घर में दो बहुएं हैं, हर परिवार को मिलेंगे, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। आप बताओ, अगर सास की दो बहू है तो उनको कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ, कितना मिलेगा? 24,000। अब एक बात और सुनना, अगर कोई किसान है तो किसान को 6,000 रुपया देते हैं मोदी जी, देते कि नहीं देते? और 4,000 रुपया देता है मामा, देता है कि नहीं देता? तो कितने हो गए ये? 10,000। और दो भैया है अगर तो हर खाते पे मिलता है, तो कितने हो जाएंगे? 20,000। तो आप बताओ, 24,000 दोनों बहुओं को और 20,000 दोनों बेटों को कितने हजार हो गए? अरे हिसाब लगा के बताओ, कितने हजार हो गए? आप बताओ, एक परिवार को 44,000 भी मिलेंगे। और सासू जी अगर बूढ़ी है तो उनकी पेंशन 600 में 400 जोड़ के उनको भी 1,000 रुपया दूंगा। 5 मार्च से आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे, हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। गांव गांव हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, कार्यकर्ता, ये सब आएंगे, फार्म भरवाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों के दफ्तर पे चक्कर लगा रहे हैं, हमारा फार्म भरवा दो, हमारा भरवा दो। तुम्हारे गांव में ही आके फार्म भरवाऊंगा, ठीक है? अरे जोर से बोलो, ठीक है? तो गांव गांव में 5 मार्च से फार्म भरना शुरू हो जाएंगे। मार्च में, अप्रैल में फार्म भरने का काम पूरा, मई में सूची बनाने का काम पूरा, और जून से खाते में पैसा आना शुरू है।